सभी पंक्तों का स्वागत है। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। जय हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
ज्ञानतिरन्तस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सर्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चादेशाधारिणे मांसाकल्पतरूपेश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीव्यासं नित्यं भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिनिष्ठे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतमिष्यते तत्र संप्राप्तस्य नान्यत् शालति कदाचित् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तदन्यस्तदधामृन्दावं रम्य कदाचिदुपासना जगद्गुरुवरेण कल्प्यता श्रीमद्भागवतप्रमाणम् अफलं प्रेयकुमार्थमानं श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमेदम् हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल श्रवण कर रहे थे छठे स्कंद के 18वें अध्याय से राजा इंद्र का वध करने के लिए दीति का व्रत, इसमें हमने श्रवण किया था। दीति ने इंद्र का वध करने के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना की। कश्यप ने उनको वर दिया था कि अगर आप ये एक वर्ष तक करती रहेंगी इस प्रकार का व्रत जो है, तो अवश्य आपका जो पुत्र होगा वो इंद्र का वध करेगा। हालांकि इंद्र भी कश्यप का ही पुत्र है दूसरी पत्नी से। दीति बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने पति की आज्ञा मान के वो यज्ञ कर रही थी, और ये भी था कि कहीं कोई त्रुटि ना हो। तो सबों का सम्मान, तो ये इंद्र को बात पता लग गई कि अभी दीति जो है ये व्रत कर रही है मेरे को मारने के लिए कर रही है। और उसको भी पता लगे कश्यप मुनि ने उसको वरदान दिया, क्योंकि उसकी उसने कश्यप मुनि को प्रसन्न किया था। लेकिन इंद्र को भी पता था कि अगर दीति कोई भी त्रुटि करती है, उसमें जरा सी भी करती है, तो उसका व्रत भंग हो जाएगा। और उसको इंद्र का वध करने की बजाय जो है इंद्र का मित्र बन जाएगा वो व्यक्ति जो उसका पुत्र। इंद्र ने अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए साधने के लिए युक्ति सोचने लगा, और इस तर्क का अनुसरण करते हुए आत्मरक्षा प्रकृति का प्रथम नियम, उसने दीति की प्रतिज्ञा को भंग करना चाहा इंद्र ने। अतः वो आश्रम वासिनी अपनी मौसी दीति की सेवा करने लगे। दीति एक सेपरेट आश्रम में रखने लगे, एक साल के लिए व्रत करो। तो इंद्र जो जाके उसकी सेवा करने लगे वेश बदल के। प्रतिदिन वो अपनी मौसी, वैसे वास्तव में उसकी सौतली माता ही थी, इंद्र प्रतिदिन जंगल से फूल फल कंद तथा यज्ञ के लिए समीधा लाकर अपनी मौसी की सेवा करने लगा। उचित समय पर कुश पत्तियां कलियां मिट्टी तथा जल भी ले आता था। जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण की खाल पहनकर छत्र वेश धारण करता, उसी प्रकार से इंद्र हृदय से दीति के पुत्रों का शत्रु बनकर, बाहर से शत्रु हो लेकिन बाहर से मित्र बनकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक दीति की सेवा करने लगे। इंद्र का मर्तम पर्पज ये था, मंतव्य था कि दीति के व्रत में अनुष्ठान में त्रुटि निकालकर उसे धोखा देना, किंतु साथ ही वह नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचान ले, इसलिए अत्यंत सतर्क के साथ सेवा करने लगे। जब इंद्र को कोई त्रुटि नहीं मिली तो उसने सोचा कि आप मेरा कैसा कल्याण करो, दीति के व्रत में कोई त्रुटि मिलनी चाहिए, इस प्रकार गहरी चिंता में डूब गया। कठोरता से व्रत का पालन करने से दीति अत्यंत क्षीण हो गई एवं अशक्त हो जाने से दुर्भाग्यवश दीति ने एक दिन भोजन के पश्चात मुंह हाथ तथा पांव धोने में लापरवाही बरती, क्योंकि उसमें लिखा था कि मुंह हाथ धो के ही रेस्ट करना, सारे टाइम भोजन करने के बाद अच्छी तरह मुंह हाथ धो, और संध्या समय सो गई। उसने दो गलतियां करी, संध्या समय सो गई, क्योंकि संध्या समय जब भगवान का पूजा करने का समय होता है अशुभ समय रहता है, उस समय सो गई जब शिवजी अपने असुर अनुचरों के साथ भ्रमण करते रहते हैं। तो पहली गलती की उसने मुंह हाथ पांव धोने में, भोजन के पश्चात जो मुंह हाथ पांव धोना है तो उसमें धोने में अप्रवी बरती। तो इसीलिए जब भगवान की विग्रह की सेवा की जाती तो हर बार विग्रह की सेवा के बाद भगवान को मुंह हाथ धुलाए जाते हैं, पैर भी धुलाए जाते हैं, स्पेशली पैर धुलाने के लिए चरण धुलाने के लिए मंत्र बोला जाता है। मुंह हाथ के अलावा चरण भी धुलाए जाते हैं, जिससे वो जो भोजन के पश्चात जूठापन है वो खत्म, और वो अगला काम शुद्धता पूर्वक कर सके।
ये तिथि ने एक त्रुटि कर दिया। इंद्र तो वेट कर रहा था इस त्रुटि को पाकर। समस्त योग शक्तियों को स्वामी इंद्र घोर निद्रा में जब सो रही थी संध्या के समय अच्छेद दिदी इंद्र उसके शरीर में गर्भ में प्रवेश कर गया और उसके बाद दिदी के गर्भ में उसने अपने वज्र से उस गर्भ को 7 खंडों में काट डाला। तो जो 7 बच्चे हुए, एक का बच्चे 7 हुए, वो रोने लगे। इंद्र ने बोला मत रो, जिसको मारुद संस्कृत में मारुद, मत रो, 7 खंडों में काट डाला, 7 जीवित थे। फिर उन 7 को फिर 7 में काट डाला तो उन 50 हो गए, 49 हो गए, मारुद गण हो गए। ये देवताओं की कैटेगरी जो जो वायु देवता के सब सब मुख्य सब मिलके वायु देवता है। और जैसे ही वो त्रुटि हुई तो कश्यप मुनि के अनुसार उसके वरदान के अनुसार सारे के सारे इंद्र के फॉलोअर बन गए, जो इंद्र को मारने के लिए उत्पन्न हुआ था इंद्र के फॉलोअर बन। तो यहाँ पर जो है सुखदेव गोसाई बोलते हैं परीक्षित, जैसे तुमको अपनी माता उत्तरा के गर्भ में तुम्हारी रक्षा की गई थी विष्णु द्वारा, ऐसे ये जो 49 खंड थे इनकी भी रक्षा हुई। और भगवान के अनुग्रह से बच गए, सभी पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से बच गए। यदि कोई पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की एक बार भी पूजा करता है तो वैकुंठ में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाता है तथा भगवान विष्णु के रूप को प्राप्त करता है, वैसा रूप मिल जाता है उसको। संकल्प पूर्वक कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए दीति ने लगभग 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की पूजा की, लेकिन जब गर्भ पैदा हुआ तो 49 पैदा हुआ। उसको आश्चर्य हुआ, कृष्ण पूछा, इंद्र उसकी सेवा करता, उसने बोला इंद्र से कैसे हुआ ये, वे सब इंद्र के मित्र बन गए, इंद्र को मारने की बजाय इंद्र के मित्र बन गए। तदनंतर दिति इंद्र से बोलती कि मैं तो इतने कठोर व्रत का पालन कर रही थी कि तुम 12 आदित्यों को मारने के लिए पुत्र प्राप्त कर सको, किंतु यह क्या हुआ, तुम सच सच बताओ क्या किया। तो इंद्र ने बोला है माता, स्वार्थ से अंधा होने के कारण मैंने धर्म से मुंह मोड़ लिया था। व्यक्ति धर्म से कब मुंह मोड़ता है, अधर्मी चीजें कब करता है, सारी अधर्म की चीजें कब करता है, जब भगवान से मुंह मोड़ लिया। और किसके लिए स्वार्थ क्या था, उसकी और बाधा आदित्यों की रक्षा की। जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप आध्यात्मिक जीवन का महत्व धारण करी तो मैं उसमें कोई त्रुटि निकालने लगा, और जब मुझे त्रुटि मिल गई तो मैंने आपके गर्भ में प्रवेश किया और मैंने गर्भ को खंड खंड कर दिया, किंतु तो परमेश्वर के अनुग्रह से कोई मरा नहीं। इस प्रकार से 49 फिर 7 उसके बाद यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना में ही निरत रहने वालों को भगवान से किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा, यहाँ तक कि मुक्ति में कामना नहीं रहती। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना में निरत रहने वालों को भगवान से किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं रहती, तो भी भगवान कृष्ण की समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करते। समस्त आकांक्षाओं का अंतिम लक्ष्य भगवान का दास बनना है। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य अपने भक्तों को आत्मसमर्पित करने वाले प्रिय भगवान की सेवा करता है तो भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है। अगर कोई बुद्धिमान मनुष्य अपने भक्तों को आत्मसमर्पित करने वाले परम प्रिय भगवान की सेवा करता है तो भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है, जो नरक में भी प्राप्त है। इंद्र बोलता है माता मई से मैं मूर्ख, मैंने जो भी पाप किया उसके लिए मैं आप मुझे क्षमा कर दें, आपके 49 पुत्र बिना किसी क्षति के आपकी भक्ति के कारण उत्पन्न हुए, मैंने शत्रु होने के नाते उनको खंड खंड कर दिया किंतु आपकी परम भक्ति के कारण वे मरे नहीं।
दिति इंद्र के इस उत्तम आचरण से अत्यंत प्रसन्न हुई और उसकी आज्ञा से अपने मरुद्गर भाइयों सहित इंद्र स्वर्ग लोक को चला गया। राजा परीक्षित के कृष्ण का उत्तर मिल गया। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब अगले अध्याय में बताएंगे पुंसवन व्रत जो अनुष्ठान है इसको किस प्रकार से किया जाता है, इसको किस प्रकार से किया जाता है। इसको सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। श्री राजो वाच व्रतम पुंस वनम ब्रह्मन् भवता यत उदीतितरम् तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णु प्रसिद्धति। महाराज परीक्षित में आए, प्रभु आप पुंसवन व्रत के संबंध में पहले ही बता चुके हैं। अब मैं इसके विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इस व्रत का पालन करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। महाराज परीक्षित ने बोला मैं पुंसवन व्रत ये जो पुत्र प्राप्ति के लिए होता है इसको सुन के बारे में सुनना चाहता हूँ। अब इसके विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूँ इसके क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस व्रत का पालन करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। श्री शुक वाच सुखदेव गोस्वामी इस व्रत को बनाने की विधि बताते हैं। शुक्ले मार्ग शिरे पक्षे योषित भर्तु अनुज्ञया आरभेता व्रतमिदं सार्वकामिकं आदितः निशम्ये मरुतां जन्म ब्राह्मणानाम अनुमत्र च स्नात्वा शुक्लदति शुक्ले वसित अलंकतांबरे पूजयेत प्रातः आशात प्राक भगवंतम श्रीयास। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जो इस व्रत को कर जो स्त्री इस व्रत को करना चाहती है जो स्त्री इस व्रत को करना चाहती है पुत्र प्राप्ति के लिए उसको शुक्ल मार्ग शिरे पक्षे वो अगन मास मतलब नवंबर दिसंबर कार्तिक के बाद आता है जो अगर मैं इसको मार्ग शिरे बोलते हैं उस स्त्री को चाहिए अगन मास नवंबर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रतिपदा मतलब पहला दिन को अपने पति की अनुमति से इस नैमित्तिक भक्ति को तप के व्रत सहित आरंभ करें क्योंकि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती। भगवान विष्णु की उपासना करने के पूर्व स्त्री को चाहिए कि मरुतों के जन्म की कथा को सुने। योग्य ब्राह्मणों के द्वारा वो प्रातःकाल अपने आप को स्वच्छ करे, स्नान करे, श्वेत साड़ी पहने और आभूषण धारण करे और फिर कलेवा करने के पूर्व मतलब ब्रेकफास्ट करने के पूर्व भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करे। अलम ते निरपेक्षाया पूर्ण काम नमस्तुते महाविभूति पते नमः सकल सिद्धे। तब वो भगवान किस प्रकार से प्रार्थना करे भगवान आप समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं किंतु मैं ऐश्वर्य की कामना नहीं करती, मैं आपको सहज भाव से सादर नमस्कार करती हूँ। आप उन संपत्ति की देवी लक्ष्मीपति के स्वामी हैं और जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त है और आप समस्त योग के स्वामी हैं, मैं केवल आपको नमस्कार करती हूँ।
तात्पर्य भक्त जानता है कि भगवान की प्रशंसा किस प्रकार की जाए। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्यच्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्यच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। श्री भगवान परम पूर्ण अतः उनके समस्त उद्गम या उनका व्यवहार जगत समग्र पूर्ण से युक्त है। जो कुछ पूर्ण से उत्पन्न होता है वो स्वयं भी पूर्ण होता है। क्योंकि भगवान पूर्ण है इसलिए उनसे अनेक पूर्ण इकाइयां उद्गत होने पर भी पूर्ण शेष बचे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर की शरण में जाने की आवश्यकता होती है। भक्त की जो भी नित्य आवश्यकता होती है पूर्ण भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। भक्ति जो भी निजी आवश्यकताएं होती है, यहाँ का लिखा आवश्यकता है इच्छा नहीं, जो भी आवश्यकता होती है पूर्ण भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। तेषाम नित्य भिक्ता नाम योगक्षेम वहामियम। इसलिए शुद्ध भक्त भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं करेगा, वो केवल उन्हें नमस्कार करता है। जो और भक्त द्वारा जो भी अर्पित किया जाता है भली पत्रम पुष्पम फलम तो यह क्यों ना, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। किसी बनावटी प्रयास को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उत्तम यही होता है कि सीधे साधे ढंग से जो भी प्राप्त हो सके उसे भगवान को आदर भाव से नमस्कार कर अर्पित किया जाए। किसी भी बनावटी प्रयास को करने की आवश्यकता नहीं रहती भगवान को प्रसन्न करने की। उत्तम तो यही कि सीधे साधे ढंग से जो भी प्राप्त हो उसे भगवान को आदर भाव से नमस्कार पूर्वक अर्पित किया जाए। भगवान अपने भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है। भगवान की पूरी शक्ति है, सारा ऐश्वर्य दे सकते हैं। लेकिन जब भक्त भगवान के शरणागत होता है तो भगवान उसका ख्याल भी रखते हैं कि इसको मैं क्या पूरा ऐश्वर्य दूं या छोटा छोटा ऐश्वर्य दूं। क्योंकि अगर भौतिक जगत में कोई व्यक्ति आया है और भौतिकतावादी है तो हो सकता है सारे ऐश्वर्य को, अगर सारा ऐश्वर्य ले ले तो वो उसको संभाल नहीं पाएगा। उस ऐश्वर्य वो ऐश्वर्य को संभाल नहीं पाएगा, वो दुर्व्यवहार करने लगेगा सबसे, वो नियंत्रण करने लगेगा, वो सबको सताने लगेगा और वो अलग अलग प्रकार से पाप करने लगेगा। अगर उस व्यक्ति के पास ऐश्वर्य आ जाए जो ऐश्वर्य के योग्य नहीं, और हम इस संसार में भी देखते हैं कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास पावर आ जाए, शक्ति आ जाए जो उसके पाने के योग्य नहीं, जो उसका सही उपयोग नहीं कर सकता, जैसे हम राजा वेण का करते। राजा वेण जब राजा अंग की अंग ने शरीर छोड़ा, राजा वेण जो है क्योंकि राजकुमार था उसके कारण उसको सारा धन और ऐश्वर्य मिला, वो ऋषि मुनियों भक्तों निर्दोष लोगों सबको सताने लगा। क्यों? अचानक ऐश्वर्य मिल गया, अचानक ऐश्वर्य मिल गया। तो अगर कोई व्यक्ति ऐश्वर्य योग्य नहीं है तो उसको ऐश्वर्य देना ठीक नहीं है, उसका दुरुपयोग घोर दुरुपयोग करेगा। और कई अपराध कर बैठेगा, कई पाप कर बैठेगा उसने। तो यहां पे बोला गया किसी भगवान को उत्तम है कि जो सीधे साधे ढंग से जो भी प्राप्त हो उसे भगवान को आदर भाव से नमस्कार पूर्वक अर्पित करे। भगवान अपने भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने में पूरा सक्षम है, पूरा कैपेबल है, लेकिन वो भक्त के लिए देंगे नहीं, या देंगे भी तो वापस छीन लेंगे कि तुम इस ऐश्वर्य के योग्य नहीं, मैंने तुमको दे दिया था लेकिन तुम इस ऐश्वर्य के योग्य नहीं। सही कि तुम ऐश्वर्य का भोग के बिना सेवा करो। ऐश्वर्य का भोग करने के लिए भी भगवान का बहुत ऊंचे लेवल का भक्त होना चाहिए। अम्बरीश महाराज, पृथ्वी महाराज, ऐश्वर्य के इतना ऐश्वर्य दिया, परीक्षित महाराज,
इसके लिए भी भगवान का बहुत उच्च कोटि का भक्त होना चाहिए, हर कोई ऐश्वर्य नहीं ले सकता। यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिमा ओजसा जुष्ट ईश्वर गुणे सर्वे तथासि भगवान प्रभु। हे भगवान, सुखदेव गोस्वामी को भगवान बोल रहे हैं क्योंकि महान है भगवान के भक्त। हे भगवान, आप अहेतु की कृपा, समस्त ऐश्वर्य, समस्त तेज तथा समस्त महिमा बल एवं दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण हरेक के लिए स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान से ऐसी प्रार्थना करें, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जो स्त्री ऐसा करना चाह रही, मनोकामना पूरा करके पुंसम पुंस बंध व्रत का अनुष्ठान करना चाह रही, वो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की पहले प्रशंसा करें, आप अहेतु की कृपा, समस्त ऐश्वर्य, समस्त तेज तथा समस्त महिमा बल एवं दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण हर एक के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तात्पर्य श्लोक में आगत तत्व असी भगवान प्रभु शब्दों में अर्थ इस प्रकार है, आप प्रत्येक के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान छह प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु है, यद्यपि वे पूर्ण है किंतु फिर भी चाहते हैं कि सभी जीवात्माएं उनकी शरण में आए, इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। यद्यपि वे स्वयं में पूर्ण है तो भी अपने भक्तों द्वारा पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्ति पूर्वक अर्पित किए जाने वाले प्रसन्न होते हैं। कभी कभी भगवान अपने भक्त से भोजन मांगते हैं जैसे कि भूखे हो, जिस प्रकार माता यशोदा से भगवान कृष्ण मांगते हैं। कभी कभी भक्तों को स्वप्न में बता देती कि उनका मंदिर तथा बगीचा अब जीर्ण हो चुके हैं, जिससे वे उनका उपयोग अच्छी तरह नहीं कर सकते, इस प्रकार भक्तों से उनको रिपेयर करने के लिए कहते हैं। कभी कभी वे पृथ्वी के अंदर गाड़ दिए जाने पर स्वयं बाहर आने में असमर्थ होकर भक्तों से उनकी रक्षा करते करवाते हैं। कभी कभी अपने भक्तों से पूरे विश्व में घूमकर उनके यश का प्रचार करने के लिए कहते हैं, यद्यपि वे अकेले इस कार्य को करने में सक्षम है। यद्यपि भगवान सभी धन्य धान्य से संपन्न और आत्मनिर्भर है, किंतु फिर भी अपने भक्तों पर आश्रित होते हैं। अतः भगवान तथा उनके भक्तों का संबंध अत्यंत गूढ़ है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। केवल भक्ति जान पाते हैं कि संपूर्ण होकर श्री भगवान किसी विशेष कार्य के लिए किस प्रकार भक्तों पर आश्रित होते हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, निमित्त मात्रम भव्य सव्य चाचिन। हे अर्जुन, तुम केवल युद्ध के निमित्त बनो, बाकी सब मैंने अरेंजमेंट कर दिया है। तो हमसे भी भगवान कोई सेवा करवाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सेवा करने के कैपेबल है। अगर हमको अभिमान हो जाए कि मैंने सेवा की है, मैं सेवा, भगवान निमित्त मात्र बनाते हैं। हे अर्जुन, तुम केवल युद्ध के निमित्त मात्र बनो, बाकी सब मैंने अरेंजमेंट कर रखा है। यद्यपि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में अकेले जीत सकने की क्षमता रखते थे, किंतु फिर भी उन्होंने अपने भक्त अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और जीत का कारण बनने का। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने नाम तथा संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करने में पूर्ण सक्षम थे, किंतु फिर भी उनके लिए वे अपने भक्तों पर निर्भर रहे। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान की आत्मनिर्भरता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि वे भक्तों पर निर्भर है। भगवान आत्मनिर्भर है लेकिन वो भक्तों पर निर्भर है, यही उनकी हेतु की कृपा है कि वो भक्तों से अपनी सेवा लेते हैं, करवाते हैं। अर्जुन से एक युद्ध करवाया, जो जितना बड़ा भक्त है उससे उतनी महान सेवा, उतनी कठिन सेवा करवाई जाएगी, उतनी कठिन, उतनी डिफिकल्ट सेवा ली जाएगी। अर्जुन से कितनी डिफिकल्ट सेवा ली, कितनी डिफिकल्ट सेवा ली, अपने ही परिवार वालों को, अपने ही परिवार वालों को युद्ध में मरवा दिया भगवान ने। इतनी डिफिकल्ट सेवा, इतनी डिफिकल्ट सेवा, इतनी कठिन सेवा, जो सामान्यतः किसी व्यक्ति के विचार में भी आए तो वो उसको विचार को रिजेक्ट कर देगा। कि जिससे उसकी आसक्ति, उससे उसका वो वध कर दे। तो भगवान भक्तों से ऐसे काम करवाते हैं अलग अलग। कभी कभी भक्तों से स्वप्न में बताते हैं कि मंदिर तो बगीचा पुराना हो चुका है, इसका उद्धार करो। कई बार जैसे माधवेंद्रपुरी को सपने में आया कि मेरे को यहाँ से निकालो गोपाल के रूप में, मेरी पूजा करो, अन्नकूट करो, मेरा मंदिर बनाओ। कभी कभी वे पूरे विश्व में घूमकर उनके यश का प्रचार करने के लिए भक्तों से ये काम करवाते हैं, हालांकि भगवान सब अकेला करने में सक्षम। यद्यपि भगवान सभी धन्य धान्य संपन्न आत्मनिर्भर है, किंतु फिर भी वे भक्तों से काम करवाते हैं, ऐसा शो करते हैं कि भक्तों के ऊपर आश्रित है।
कभी कभी पृथ्वी के अंदर गाड़ दिए जाने पर स्वयं बाहर आने में असमर्थ बोलते हैं, मेरे को स्वप्न में बोलते हैं मैं बाहर आने में असमर्थ हूँ, मेरे को यहाँ पे गाड़ दिया गया है, इसको निकालो और मेरा मंदिर बनाओ, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ पे पीड़ा हो रही, सर्दी गर्मी बरसात हो रहा है। इस प्रकार से भगवान सेवा लेने के लिए इतने बड़े 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 कार्य करवाते हैं भक्तों से, और भक्तों को कार्य करने के बहुत आनंद आता है। अगर सेवा करने के बाद आनंद नहीं आया तो इसका मतलब वो सेवा नहीं था। तो इतने जो माधवेंद्रपुरी, उनको आनंद आया, अन्नकूट का रोज अन्नकूट का भोग लगाते थे, हर गांव से करके स्थापित किया, गाड़ा निकाला, मंदिर बनाया एक। अर्जुन को भगवान की सेवा, भगवान की बात मानने में, गीता के अंत में बोलते भगवान की बात मानने के बाद आनंद आया, सेवा के बाद आनंद आया। क्योंकि भगवान सेवा करवाते हैं उसके बाद में आनंद देते हैं, अगर सेवा के पश्चात आनंद नहीं आया तो वो इसका मतलब है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, वो हमारी भौतिक इच्छा थी और उसकी पूर्ति नहीं हुई। तो इसलिए सबसे स्पष्ट है कि भगवान की आत्मनिर्भरता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि वो अपने आप को भक्तों पर निर्भर बताते हैं कि मैं पूरे डिपेंडेंट, तुम नहीं करोगे हेल्प तो तुम सेवा नहीं करोगे तो मेरी सेवा नहीं हो पाएगी, ये उनकी अहेतु की कृपा है। और सेवा किस लिए करवाते हैं? आनंद देने के लिए, भक्त को आनंद देने के लिए करवाते हैं। जिस भक्त ने भगवान की इस अहेतु की कृपा का अनुभव किया है वो अपने आप को दास समझ सकता है, वही अपने आप को दास समझ सकता है। सेवा करने के बाद अपने आप को स्वामी नहीं समझेगा कि मैंने सेवा की, इतनी कठिन सेवा की जो कोई नहीं कर पाता, वो सेवा मैंने की आज। वो स्वामी वाला भाव है, दासी वाला है कि भगवान ने मुझसे सेवा ले ली, मुझे बहुत आनंद है, मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने मेरे से सेवा ली, आनंद की बात है। भगवान जैसे जो आत्मनिर्भर है, उन्होंने जो सब कुछ कर सकते फिर भी मेरे को ऐसे तुच्छ व्यक्ति से उन्होंने सेवा ले ली, आगे बोलते हैं। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रियेथा मे महाभागे लोकम आर्तन अमोस्तुते। भगवान विष्णु को समुचित नमस्कार करने के बाद भक्तों को चाहिए कि वे धन्य धान्य की देवी लक्ष्मी माता को सादर नमस्कार करें और इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे विष्णु पति, भगवान विष्णु की अंतरंग शक्ति, आप विष्णु के ही समान श्रेष्ठ है क्योंकि आप में भी उनके सारे गुण तथा ऐश्वर्य निहित है। हे धन्य धान्य की देवी, आप मुझ पर कृपालु हो, मैं जगत माता में आपको नमस्कार करता हूं। तात्पर्य भगवान से, भगवान विष्णु को समुचित नमस्कार करने के बाद वो फिर धन्य धान्य की लक्ष्मी माता को नमस्कार, पहले भगवान को ही करे, उनके पति जो है लक्ष्मी देवी के पति। तात्पर्य भगवान नाना शक्तियों से पूर्ण है, चूंकि माता लक्ष्मी भगवान की बहुमूल्य शक्ति है इसलिए उन्हें यहाँ पर महामाया का संबोधित किया गया। माया शब्द का अर्थ है शक्ति। भगवान विष्णु अपनी प्रमुख शक्ति के बिना सर्वतः अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते। कहा गया शक्ति शक्तिमान अभेद, शक्ति तथा शक्तिमान एक ही है, अतः माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की नित्य संगिनी है, वे दोनों नियंत्र साथ रहते हैं। कोई भी भगवान विष्णु के बिना लक्ष्मी को अपने घर में नहीं रख सकता है, यदि कोई ऐसा सोचे तो उसके लिए घातक होगा, क्योंकि भगवान की सेवा के बिना वही लक्ष्मी माया बन जाती है। भगवान की सेवा के बिना लक्ष्मी माया बन जाती है, किंतु भगवान विष्णु के संग से वह निसंदेह पराशक्ति है। फिर मंत्र क्या बोलना है? ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावे महाविभूति पते पते सह महाविभूति। पते सह महाविभूति बलिमुपहरामीति अनेन मंत्रेण विष्णु आवान अर्घ्यपादुस्पर्शन स्नान वासुपवित विभूषण गंध पुष्प धूप दीप उपहार भेंट आदि उपचारान सुसमाहित उपहारित। हे छेश्वर से युक्त भगवान विष्णु, आप सर्वश्रेष्ठ भोक्ता एवं सर्वशक्तिमान है,
हे माता लक्ष्मी की पति, मैं विश्वक्षेत्र जैसे पार्षदों की संगति में रहने वाले आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको समस्त पूजा सामग्री अर्पित करता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन अत्यंत मनोयोग से भगवान विष्णु की पूजा तथा उनके हाथ पांव तथा मुख धोने के लिए और स्नान के लिए जल इत्यादि पूजा सामग्रियों से पूजा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। उसे चाहिए कि उन्हें वस्त्र, उपवीत, आभूषण, सुगंधी, पुष्प, अगरु तथा दीपक अर्पित करें। तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाल, तीन मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री विग्रह की पूजा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त मंत्र का जप करना चाहिए। हविशेषम च जुयात अनले द्वादश आहुति। ओम नमः भगवते महापुरुषाय महाविभूति पते सहायति। सुखदेव गोस्वामी आगे का उपयुक्त पूजा समस्त पूजा सामग्री से भगवान की पूजा करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूते सह इस मंत्र का जप करें और पवित्र अग्नि में 12 बार घी की आहुति दे। पवित्र अग्नि में 12 बार घी की आहुति दे। श्रीयं विष्णुं च वरोदो आशीषां प्रभो उभो भक्तिया संपूजयेत् नित्यं यदि इच्छेत् सर्वसंपदः। यदि किसी को समस्त ऐश्वर्य की चाहत है, यदि किसी को समस्त ऐश्वर्य की चाहत है तो उसका कर्तव्य कि प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा उनकी पत्नी लक्ष्मी सहित करें। उसे परम आदर से उपयुक्त दिन से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तथा ऐश्वर्य की देवी का अत्यंत शक्तिशाली संयोग है। वे समस्त वरों को देने वाले हैं तथा समस्त सौभाग्य के स्रोत हैं। अतः हरेक का कर्तव्य कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। तात्पर्य लक्ष्मी नारायण अर्थात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी सबों के हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। किंतु अभक्त लोग ये नहीं समझते कि भगवान विष्णु अभक्त लोग नहीं समझते कि भगवान विष्णु अपनी प्रेयसी लक्ष्मी के साथ सबों के हृदय में स्थित है। अतः उन्हें विष्णु का ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता है। अभक्त लोग नहीं समझते कि भगवान विष्णु अपनी प्रेयसी लक्ष्मी के साथ सबों के हृदय में स्थित है, उन्हें अतः उन्हें विष्णु का ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। पाखंडी लोग कभी कभी दरिद्र मनुष्य को दरिद्र नारायण कहकर पुकारते हैं। ये बहुत अनसाइंटिफिक है, अत्यंत अवैज्ञानिक है। भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी देवी सदैव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित रहते हैं, विशेष रूप से उनके हृदय में जो दरिद्र नहीं है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति नारायण है। नारायण के प्रसंग में इस शब्द का व्यवहार अत्यंत कुत्सित है। भगवान कभी भी दरिद्र नहीं बनते, अद्वैत कभी भी दरिद्र नारायण नहीं हो सकते। वे तो सबों के हृदय में विद्यमान है, किंतु न तो दरिद्र है न धनी है। केवल ऐसे धूर्त लोग जो नारायण के ऐश्वर्य को नहीं जानते उन पर दरिद्रता का आघात पहुंचाने का प्रयास कर। प्रणमे तदंडवत भूमो भक्ति प्रहेण चेतसा दशवारं जपेत मंत्रं तथा स्त्रोतम उदीरियत। भक्ति के साथ विनीत भाव से भगवान को नमस्कार करना चाहिए। भूमि पर दंड के समान गिरते समय, दंडवत करते समय उपयुक्त मंत्र का 10 बार उच्चारण करें, तब उसे निम्न अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। युवाम तु विश्वस्य विभु जगत कारणम परम यम ही प्रकृति सूक्ष्म माया शक्ति दुरतया। हे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी, आप दोनों समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। वास्तव में इस सृष्टि के कारण आप ही हैं। माता लक्ष्मी को समझ पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। उनकी शक्ति की सीमा का पार पाना कठिन है। माता लक्ष्मी को भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति के रूप में अंकित किया जाता है, परंतु वास्तव में वे सदैव ईश्वर की अंतरंगा शक्ति, इंटरनल एनर्जी। तस्याधीश्वर साक्षात तम एव पुरुष पर तम सर्वज्ञ इज्ञायम क्रिया इयम फलभुक् भवान। ईश्वर आप शक्ति के स्वामी, अतः परम पुरुष हैं। आप साक्षात यज्ञ आत्मक्रिया की प्रतिरूप लक्ष्मी को आपको अर्पित उपासना आदि के रूप है, जबकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। गुण व्यक्ति अम देवी व्यंजक गुणभुक्त भवान तम ही सर्व शरीरी आत्मा
श्री शरीर इंद्रियाशय नाम रूपे भगवती प्रत्यय त्वयम अपाशय। यहाँ पर उपस्थित माता लक्ष्मी समस्त गुणों की आगार है, जबकि आप इन गुणों के प्रकाशक तथा भोक्ता हैं। दरअसल आप ही प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं, आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में रहते हैं और लक्ष्मी देवी उनके शरीर इंद्रिय तथा मन का रूप है। उनके भी पवित्र नाम तथा रूप है, आप समस्त नामों तथा रूपों के आधार हैं, आप उनके प्रकाशन का कारण। भगवान की प्रार्थना, आप उपस्थित समान माता लक्ष्मी के समस्त गुणों के आगार हैं, जबकि आप इन गुणों के प्रकाशक तथा भोक्ता हैं। दरअसल आप ही प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं, आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में रहते हैं, लक्ष्मी देवी उनके शरीर इंद्रिय तथा मन का रूप है, उनके भी पवित्र नाम तथा रूप है, और आप समस्त नामों तथा रूपों के आधार हैं, आप उनके प्रकाशन का कारण। तात्पर्य, तत्ववादियों के आचार्य मध्वाचार्य ने श्लोक का वर्णन इस प्रकार किया है, विष्णु को साक्षात यज्ञ के रूप में और माता लक्ष्मी को आध्यात्मिक कार्य तथा उपासना के आद्य रूप में वर्णित किया गया। निसंदेह वे आध्यात्मिक कार्य तथा समस्त यज्ञों के परम आत्मा के रूप को बताने वाले। भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी के भी परमात्मा रूप है, किंतु भगवान विष्णु का कोई परमात्मा नहीं है, लेकिन लक्ष्मी देवी के लिए परमात्मा है भगवान, क्योंकि भगवान विष्णु सभी जीवों के दिव्य परमात्मा है, लक्ष्मी देवी भी परमात्मा हुई। मध्वाचार्य के अनुसार दो प्रकार के कारक या तत्व, एक स्वतंत्र और एक आश्रित। पहला तत्व परमेश्वर विष्णु और दूसरा तत्व जीव है। लक्ष्मी देवी की गणना कभी कभी जीवों में की जाती है, क्योंकि वो भगवान विष्णु पर आश्रित, किंतु गौड़ीय वैष्णव लक्ष्मी देवी को निम्न रूप से वर्णित करते हैं। गौड़ी देवी क्या बोलते हैं? गौड़ीय वैष्णव बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं, नित्येव सा जगन्माता विष्णु क्षीर विष्णु क्षीर पायिनी यथा सर्व गतो विष्णु तथ तेवेवम द्विजोत्तम विष्णु शिव शक्तिसि तत्रास्तु या कीर्तदा परे सेवा श्री तद भिन्नेति प्राय शिष्यान प्रभुर महा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ लक्ष्मी जी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चिर संगिनी है, इसलिए उन्हें अनपायनी कहा जाता है, वे समस्त सृष्टि की माता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु सर्वव्यापी, उसी प्रकार उनकी आत्म पराशक्ति माता लक्ष्मी भी सर्वव्यापी है। भगवान विष्णु की तीन प्रमुख शक्ति अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्था है। चैतन्य महापुरुष ने पराशक्ति को भगवान से अभिन्न माना। इस प्रकार लक्ष्मी भी स्वतंत्र विष्णु तत्व में सम्मिलित। प्रमेय रत्नावली की कांतिमाला टीका में कथन है, ननु क्वचित नित्य मुक्त जीवात्म लक्ष्मया स्वीकृतम तत्र प्राहेति नित्येवेति पद्ये सर्वव्याप्ति कथनेन कला काष्ठेत्यादि पदद्वये शुद्धोऽपि च महाप्रभुना स्वशिष्यान् प्रतीक्ष्मा भगवद्देतम् उपशिष्टम् क्वचित् यत्तस्यास्म देतम् उक्तम् तब तु तदाविष्ट नित्य मुक्त जीवम् आदाय संगतमस्तु। यद्यपि कुछ आधिकारिक वैष्णव शिष्य परंपरा है लक्ष्मी देवी को वैकुंठ की साक्षात मुक्तात्माओं में परिणत करती, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु पुराण के अनुसार लक्ष्मी को विष्णु तत्व से अभिन्न माना गया। इसका सही निष्कर्ष है कि विष्णु से भिन्न होने का लक्ष्मी का वर्णन तब किया जाता है जब शाश्वत मुक्त जीवात्मा में लक्ष्मी के गुण पाए जाते हैं, और उस वर्णन का अभिप्राय विष्णु की प्रेसी लक्ष्मी से कदापि नहीं। जो विष्णु की प्रेयसी लक्ष्मी है वो विष्णु से तत्व से अभिन्न। यथा युवाम त्रिलोकस्य वरदो परमे तिष्ठिनो वरदे परमो शिष्ठनो तथा मे उत्तम श्लोक संतु सत्यमाशिष। आप दोनों ही तीनों लोकों के परम अधिष्ठाता एवं वरदाता, अतः हे उत्तम श्लोक भगवान, आपके अनुग्रह से मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हो रही। इति अभिष्ट वरदम श्रीनिवासम श्रियास तथा निसार्य उपहरणम दत्वा आचमनम अर्चित। सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार श्रीनिवास भगवान विष्णु की पूजा ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी के साथ साथ
उपयुक्त विधि से स्तुति द्वारा की जाए। फिर पूजा की सारी सामग्री हटाकर उनका हाथ मुंह धुलाने के लिए जल अर्पित करें और फिर से उनकी पूजा करें। ततस्तु स्तोत्रेण भक्ति प्रहेण चेतसा उच्छिष्टम अवग्राय पुनः अभ्यर्चेत हरिम। तत्पश्चात अत्यंत भक्ति एवं विनीत भाव से मनुष्य भगवान तथा लक्ष्मी की स्तुति करे। तब यज्ञावेश को सूंघ कर विष्णु तथा लक्ष्मी की पुनः पूजा करे। पतिम च परया भक्त्या महापुरुष चेतसा प्रियेते ते उपनमेत प्रेम शीला स्वयं पति विब्रियात सर्व कर्माणि पत्न्या उच्च वचानि च। पत्नी अपने पति को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसे प्रसाद देकर इस व्रत के बाद में प्रसाद देकर उसे विशुद्ध भक्ति से उसकी पूजा करें। पति भी अपनी पत्नी से परम प्रमोदित होकर अपने परिवार के कार्यों में उसे लगाए लग जाए। तात्पर्य उपयुक्त विधि से पति पत्नी के पारिवारिक संबंध अध्यापित रूप से स्थापित होने चाहिए। तो पहले ये आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर तब जाके पुत्र की प्राप्ति और उसकी आगे की बात की जाए। उपयुक्त विधि से पति तथा पत्नी के पारिवारिक संबंध आध्यात्मिक रूप से स्थापित किए जाए। उसके बाद है कृतम एक तरेण अपी दंपत्यो भयो अपी पत्नियाम कुरियात अनहार्याम पति एत समाहित। पति पत्नी दोनों में से कोई एक इस भक्ति को निष्पादित कर सकता है और उनके मधुर संबंधों के कारण दोनों को फल मिलता है। अतः यदि पत्नी इस व्रत को करने में असमर्थ है तो पति इसे सावधानी से करे और इससे उसकी आज्ञाकारिणी पत्नी को भी उसका फल मिलेगा। तात्पर्य जब पत्नी आज्ञाकारिणी और पति एकनिष्ठ होता है तो उनके बीच मधुर संबंध दृढ़ता से स्थापित होते हैं। यदि पत्नी दुर्बल होने के कारण पति के साथ वो नहीं कर पा रही है ये तो भी उसके पति के कार्यों में उसका आधा, अगर पति करता है तो उसके कार्यों का आधा हिस्सा उसको मिल जाएगा यदि वो पतिव्रता हो और पवित्र हो। विष्णु व्रतम इदम विभ्रत न विहन्यात कथंचन विप्राण स्त्रिय वीरवती स्त्रक गंध बलि मंडने अर्चेत अहम भक्त्या अहम भक्ता देवम नियमम आस्तिता उदास्य देवम स्वयधाम्नी तत् निवेदितम अग्रतः आद्यात आत्म विशुद्धि अर्थम सर्व कामा समृद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस भक्तिपूर्ण विष्णु व्रत को माने। मनुष्य को चाहिए इस भक्तिपूर्ण विष्णु व्रत को माने और किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के लिए इसके पालन से विचलित ना हो। इस व्रत को पालन करने में से विचलित न हो कि दूसरा कोई जरूरी काम आ गया। उसे चाहिए कि नित्य प्रति ब्राह्मणों तथा उनकी सौभाग्यवती स्त्रियों अर्थात अपने पतियों के साथ शांतिपूर्वक रहने वाली स्त्रियों को बचाओ प्रसाद पुष्पमाला चंदन तथा आभूषण अर्पित करके उनकी पूजा करे। तो इसमें उन ब्राह्मणों को करे तथा उन सौभाग्यवासी स्त्रियों को करे जो अपने पतियों के साथ शांतिपूर्वक रहने वाली है। वो सौभाग्यवती हैं, स्त्रियों को बचाओ प्रसाद पुष्पमाला चंदन तथा आभूषण अर्पित करते उनकी पूजा करे। पत्नी को चाहिए कि अत्यंत भक्तिपूर्वक विधि विधानों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु को शयन कराए और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार पति तथा पत्नी परिशुद्ध हो जाए और उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। एतेन पूजा विधिना मासान द्वादशायनम नित्वात उपरमेत साध्वी कार्तिके चरमे अनि। साध्वी स्त्री को चाहिए कि एक वर्ष के लिए इस भक्तिमय सेवा को निरंतर करे। जब एक वर्ष बीत जाए तो उसे चाहिए कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को उपवास करे। ये सब भगवान विष्णु और लक्ष्मी के लिए हो रहा है। इससे पुंसवन व्रत का पुत्र की प्राप्ति के लिए भी है, संतान प्राप्ति के लिए। स्वभूते अपस्पर्श्य कृष्णम अभ्यर्च पूर्ववत पयश्रुतेन जूयाय उच्चरुणा सह सर्पिष।
पाकयज्ञ विधानेन द्वादश एव आहुति पति। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की पूर्वत पूजा करके गुह्य सूत्रों के अनुसार वर्णित भोजन बनाए जैसा उत्सवों पर बनाया जाता है। गुह्य सूत्रों के अनुसार उस विधि के अनुसार भगवान के लिए भोजन बनाए जैसा कि उत्सवों पर होता है। घी से खीर तैयार करें और पति को चाहिए कि वो इस सामग्री से अग्नि में बार बार आहुति 12 बार आहुति दे। आशीष शीर्षादाय द्विजे प्रीते समीरिता प्रणम्य शीर्षा भक्तिया भुंजिता तत् अनुज्ञा। तत्पश्चात वो पति को संतुष्ट करे और ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। जब ब्राह्मण होकर ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे तो सिर के द्वारा उन्हें सादर प्रणाम करें और उनकी अनुमति लेकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ये दिति ने ऐसा व्रत किया। आचार्यम अग्रत कृत्वा वाक यत स बंधु भी दद्यात पत्ने चरो शेषम सुप्रजास्तम सुशोभ। पति को चाहिए कि भोजन करने के पूर्व सर्वप्रथम आचार्य को सुखद आसन दे। अपने मित्रों तथा स्वजनों के साथ वाणी को वश में रखते हुए गुरु को प्रसाद भेंट करें। तब पत्नी को चाहिए कि घी में पका हुई खीर की आहुति से बचे भाग को खाए। इस अवशेष को खाने से विद्वान तथा भक्त पुत्र की और समस्त सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जिनको पुत्र की प्राप्ति हो पुत्र की और बाकी को समस्त सौभाग्य की प्राप्ति हो। विभो अभिपेस्तार्थम लभते पुमानी स्त्री च एतत्तास्थाय लभित सुभगम श्रियं प्रजां जी पतिं यश ग्रहम। यदि इस व्रत या अनुष्ठान को शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार किया जाए तो इसी जीवन में मनुष्य को ईश्वर से मनवांछित फल प्राप्त हो सकता है। जो पत्नी इस अनुष्ठान को करती उसे अवश्य सौभाग्य ऐश्वर्य पुत्र दीर्घजीवी पति ख्याति तथा अच्छा घर बार प्राप्त। तात्पर्य आज भी बंगाल में यदि कोई स्त्री दीर्घ काल तक अपने पति के साथ साथ जीवित रहती तो उसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। तो जो स्त्री अच्छा पति अच्छी संतान अच्छा घर धन ईश्वर इत्यादि की कामना करती है उसे इस श्लोक में की गई संस्तुति के अनुसार स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मन वांछित वर प्राप्त होंगे। इस विशेष प्रकार का व्रत रखकर कृष्ण भक्ति से पुरुष तथा स्त्री दोनों इस संसार में सुखी रहेंगे और कृष्ण भावना भावित होने के कारण वैकुंठ जगत में भेजे जाएंगे। आगे 26वें श्लोक में आता है कन्या च विन्देत समग्र लक्षणम पतिम त्वीराहत क्लिप्साम गतिम व्रता प्रजा जीव सुता धनेश्वरी सुदूर भगा सुभगा रूपमच्छम विन्देत रूपा विरुजा विमुच्यते याम अविन्द्रिया कल्य देहम एतत् पठन प्रबुद्धे च कर्म राजन महन्म मरुताम जन्म पुण्यम दिते व्रतम शाभिहितम महत्ते। यदि अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उसे सुंदर पति मिल सकता है। यदि अवीरा स्त्री जिसका कोई पति या पुत्र नहीं इस अनुष्ठान को करती तो उसे वैकुंठ जगत को भेजा जा सकता है। जिस स्त्री की संतानें जन्म लेने के बाद मर चुकी है उसे दीर्घजीवी संतान के साथ संपत्ति भी प्राप्त होती है। अभागी स्त्री का भाग्य खुल जाता है और कुरूपा स्त्री सुंदर हो जाती है। इस व्रत को रखने से रोगी पुरुष को रोग से मुक्ति मिलती है और कार्य करने के लिए स्वस्थ शरीर प्राप्त हो सकता है। यदि इस कथा को कोई अपने पितरों तथा देवों को आहुति देते समय विशेषतः श्राद्ध पक्ष में सुनाता है तो देवता तथा पितर लोक के वासी उससे अत्यंत प्रसन्न होंगे और उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस अनुष्ठान के करने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
हे राजा परीक्षित, मैंने पूरी तरह से बता दिया कि दिति ने किस प्रकार इस व्रत को किया और श्रेष्ठ पुत्र मरुतगण तथा सुखी जीवन प्राप्त किया। मैंने यथाशक्ति तुम्हें विस्तार से सुनाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को ये कथा पुंसवन व्रत का अनुष्ठान कैसे किया जाता है इसको श्रवण कराया। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित, क्योंकि राजा परीक्षित क्यों सुनने में इच्छुक थे, तो इससे क्या है कि बाकी लोग सुन सके और जिनको अगर कोई इस प्रकार की भौतिक कामना है तो वो भी उसका फल प्राप्त कर सके। ये राजा परीक्षित ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं सबके लाभ के लिए पूछ रहे। भागवतम में ऐसे विष्णु लक्ष्मी का है, लेकिन मनोकामना पूरी करने के लिए विष्णु जो है परीक्षित महाराज सबके कल्याण के लिए, कि इसमें लिखा है कि जो ऐसा व्रत करता हो फिर बाद में वैकुंठ लोक को भी जाता है। तो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि सबका कल्याण हो, इसलिए भौतिक तरीके, अगर कोई भौतिक तरीके से आकर्षित होकर भगवान के पास आता है, भौतिक तरीके से माध्यम से आए, वो भी वैकुंठ में चला जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि ऐसा ऐसा पवित्र यज्ञ, ऐसा पवित्र यज्ञ व्रत करने से वो भी शुद्ध हो जाएगा, पापी से पापी व्यक्ति भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का व्रत है और कई नियम है इसमें। तो परीक्षित महाराज सबके कल्याण के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार से यह अध्याय 19 यहीं पे खत्म होता है और भागवतम का ये छठा स्कंद भी यहीं पे खत्म होता है। भागवतम का छठा स्कंद यहीं पे खत्म होता है। कल से हम 7वां स्कंद प्रारंभ करेंगे, जिसमें जय विजय के शाप की कथा और प्रहलाद महाराज की, अल्टीमेटली नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज की कथा। इस प्रकार से छठे स्कंद को यहीं पे विराम देते हैं। ये 19वां अध्याय इसका अंतिम अध्याय था। कल से हम अगला स्कंद शुरू करेंगे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। छठे स्कंद की जय। पुंस व्रत अनुष्ठान की जय। हरे कृष्ण।